आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में। आप सभी ने देखा था कि किस तरीके से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने सिंगापुर एयर शो में एक बेहतरीन शो प्रेजेंट किया था और अब यह एयरक्राफ्ट एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022 में पार्टिसिपेट करने के लिए यूके जाने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए भारतीय वायुसेना के FOC स्टैंडर्ड के तेजस एयरक्राफ्ट 17 से 25 मार्च के बीच में यूके में होंगे। रिपोर्ट्स के हिसाब से भारतीय वायुसेना 5 तेजस एयरक्राफ्ट और 4 सपोर्ट एयरक्राफ्ट को भेज रही है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि इन एयरक्राफ्ट के साथ में ये जो 4 सपोर्ट एयरक्राफ्ट होंगे इनमें टैंकर नहीं होंगे, यानी कि ऑन द वे ये एयरक्राफ्ट किसी और एयरफोर्स के टैंकर से रिफ्यूल किए जाएंगे या फिर किसी फ्रेंडली बेस पर भारतीय वायुसेना के ये विमान लैंड करके रिफ्यूलिंग कराएंगे। इंडिया से इंग्लैंड तक का एयर डिस्टेंस लगभग 7000 किलोमीटर का है। वहीं पर अगर LCA तेजस की फेरी रेंज की बात की जाए तो ये एयरक्राफ्ट बिना किसी हथियार और 3 फ्यूल टैंक्स के साथ में लगभग 3500 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर कर सकता है। और इसी वजह से ये देखना दिलचस्प होगा कि इस एक्सरसाइज के लिए जब LCA तेजस एयरक्राफ्ट UK जाएंगे तो बीच में कितने हॉट लेते हैं या फिर इन एयरक्राफ्ट की कहाँ कहाँ रिफ्यूलिंग होती है। वैसे इस एक्सरसाइज का सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है। इस एक्सरसाइज के दौरान भारतीय वायुसेना के LCA तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट F-35, यूरोफाइटर टाइफून, F-15, F-16, पनाविया टोर्नाडो और ग्रिपन फाइटर जेट्स के साथ में उड़ेंगे। नॉर्मली भारतीय वायुसेना की तरफ से इस तरीके की एक्सरसाइज के लिए Su-30 MKIs को भेजा जाता है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण Su-30 MKI की रेंज है। लेकिन अब LCA तेजस एयरक्राफ्ट, जिसको हिस्टोरिकली रेंज के लिए क्रिटिसाइज किया जाता रहा है, उसको भारतीय वायुसेना की तरफ से इस एक्सरसाइज के लिए भेजा जाना भारतीय वायुसेना के इस एयरक्राफ्ट के ऊपर बढ़ते हुए कॉन्फिडेंस को दिखाता है। वैसे प्रैक्टिकली इस तरीके की एक्सरसाइज एडवर्टीजमेंट और PR के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है और मेरे हिसाब से भारतीय वायुसेना को इस एक्सरसाइज के लिए ट्रांजिट के दौरान अपने वॉयज को पूरी तरीके से फिल्म करना चाहिए। और अगर ये एयरक्राफ्ट रिफ्यूलिंग के लिए UAE के टैंकर्स या रॉयल सऊदी एयरफोर्स के टैंकर्स से रिफ्यूलिंग कराते हैं तो ये PR के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी और इनके फोटोग्राफ और वीडियोस भारतीय वायुसेना को किसी भी हालत में मिस नहीं करने चाहिए। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जिस कैटेगरी का फाइटर जेट है उस कैटेगरी में वर्ल्ड के बहुत सारे देश अपनी एग्जिस्टिंग फाइटर फ्लीट को या तो अपग्रेड करना चाहते हैं या अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में पोटेंशियली लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का अक्रॉस द ग्लोब बहुत अच्छा मार्केट हो सकता है। बस वहां पर जरूरत है प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी और सॉलिड मार्केटिंग की। LCA तेजस की कैटेगरी में इस समय चाइनीज JF-17 थंडर, साउथ कोरियन FA-50 और स्वीडिश कंपनी साब का ग्रिपिन है और इस कैटेगरी में LCA तेजस एयरक्राफ्ट कॉस्ट और कैपेबिलिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा बैलेंस्ड एयरक्राफ्ट है। लेकिन सरकारी कंपनी द्वारा बनाए जाने के कारण कहीं ना कहीं भारत इस एयरक्राफ्ट की मार्केटिंग को लेकर उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय से भारतीय वायुसेना और इवन HAL की तरफ से इस एयरक्राफ्ट की मार्केटिंग को लेकर कुछ अच्छा काम किया गया है। नेवरदलेस ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और भारतीय वायुसेना का इस एयरक्राफ्ट के ऊपर बढ़ता हुआ कॉन्फिडेंस इंडियन एविएशन इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।